प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जनहितकारी योजनाओं व कांग्रेस पदाधिकारियों की सक्रियता से इस बार के विधानसभा चुनाव में 75 पार के टारगेट को पूरा करने के प्रति आश्वस्त युवा कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष अयूब खान ने ग्रैंड एशियन न्यूज से खास चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है तो भरोसा है का नारा आज पूरे प्रदेश में जोर से गूंज रहा है। आइए देखते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अयूब खान से हुई खास बातचीत। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपको मिलाने जाएंगे अयूब खान, जो कि दुर्ग भिलाई के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज वो हमें बताएंगे कि अपने इतने लंबे राजनीतिक करियर में किस प्रकार का उनका अनुभव रहा है, जो कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं काफी लंबा वक्त, या कहें 2 दशक से भी अधिक का वक्त इनको गुजर चुका है कांग्रेस पार्टी में। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनके जीवन परिचय भी लेंगे और राजनीतिक तौर से किस प्रकार से वो सक्रिय रहे हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अयूब खान जी। आज आप ये बताएंगे सबसे पहले कि कितना वक्त आपको कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हो चुका है, किस प्रकार की गतिविधियां रही आपकी? सबसे पहले ग्रैंड एशियन के जो हमारे व्यूअर हैं, जो दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार, जय जोहार। मैं जो आपका जो प्रश्न है, तो मेरी राजनीति जो है कांग्रेस पार्टी से लगभग 25 साल के आसपास हो रही है। मैं एक समय में स्कूलों में चुनाव हुआ करता था तो दुर्ग जिले का सबसे बड़ा स्कूल गवर्नमेंट स्कूल मल्टीपर्पस कहते थे, उस स्कूल में इलेक्शन हुआ करते थे तो वहाँ पे अध्यक्ष पद का मैंने चुनाव लड़ा था और मैं लगभग 2000 स्टूडेंट थे, इसमें 1300 स्टूडेंट लोगों ने मुझे चुना था तो मैं अध्यक्ष बना था। उसके बाद मैं NSUI जो कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है, उस छात्र इकाई को मैंने NSUI को ज्वाइन करके शहर जिला NSUI का महामंत्री बना। शहर जिला महामंत्री बनने के बाद फिर मैं छात्र राजनीति में लगा रहा, मेरा कांग्रेस पार्टी से कनेक्शन हो गया। छात्र राजनीति करते करते फिर सन 2000 में मैं छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन गया। छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद यहाँ संगठन और की भी नियुक्तियाँ शुरू हो गई, तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने से फिर अभी जो वर्तमान में महापौर है रायपुर के भाई एजाज ढेबर, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो मैं उनके साथ उनकी कमेटी में प्रदेश महासचिव रहा। हालांकि मैं दुर्ग शहर कांग्रेस का NSUI का अध्यक्ष बनना चाहता था दुर्ग जिले का, तो वो ना बन के मुझे बना के मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया। फिर उसमें मैं लगातार सक्रिय रहा, काम करता रहा और NSUI की राजनीति के बाद फिर मैं युवा कांग्रेस में आना चाहा। युवा कांग्रेस में भी मैं जिला के अध्यक्ष के रूप में अपना चाहता था कि मुझे जिला अध्यक्ष बनाया जाए, फिर मैं नहीं बन पाया। फिर राहुल गांधी जी उस समय राजनीति में 2000 के बाद 5 के बाद सक्रिय हुए थे और युवा कांग्रेस के प्रभारी बने थे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के, तो राहुल गांधी जी ने युवा कांग्रेस को, भारतीय युवा कांग्रेस को एक और संगठन दिया था जिसकी कि आप इसमें सोशल वर्क का काम करेंगे। सोशल वर्क करते हुए ये जो आंदोलन उन्हें जो एक प्रोग्राम दिया था वो संगठन के रूप में दिया था, उसको अक्स बोला जाता था, आम आदमी का सिपाही। जैसे अभी आम आदमी की जो पार्टी होती है वो उसी से पहले राहुल जी की सोच थी कि एक संगठन दिया जाए जो यूथ कांग्रेस की जो युवाओं की जो कांग्रेस पार्टी की जो युवाओं की जो भूमिका है थोड़ा रचनात्मक कार्य सोशल कार्य में भी चले, तो उस वो बनाया था तो उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया दुर्ग जिला का। मैं उस समय 2007 में मैं दुर्ग जिला का अध्यक्ष बना अक्स का और सोशल कार्य करता रहा। और मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष तो बन नहीं पाया, मैंने बहुत शक्ति प्रदर्शन किया, भीड़ करा, ताम झाम किया, सब किया, लेकिन जिला की नियुक्ति पत्र में बहुत सारी चीजें होती है स्थानीय नेताओं के अनुमोदन से या बहुत सारी ऐसी परिस्थिति बनती है जो हो नहीं पाई और मैं ना बन पाया, तो मैं अक्स का अध्यक्ष बन के मैं अपना काम करने लगा। फिर राहुल जी ने NSUI में छात्र चुनाव की शुरुआत की, मतलब संगठनात्मक चुनाव की,
प्रभारी थे तो राहुल जी की पूरी चलती थी, एनएसयूआई के भी प्रभारी और यूथ कांग्रेस के भी प्रभारी, तो उनके कारण संगठन में चुनाव होने लगे। सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने एकदम लोकतांत्रिक रूप से चुनाव करवाया। एनएसयूआई में चुनाव हुआ, एनएसयूआई से चुनाव होने के बाद जैसे आज देवेंद्र यादव जी हैं वो भी एनएसयूआई का चुनाव जिला अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, आज विधायक हैं, ऐसे लोग चुने गए थे उससे एनएसयूआई से। फिर 2010 में यूथ कांग्रेस का चुनाव उन्होंने घोषणा कर दी कि यूथ कांग्रेस में भी चुनाव होगा। तो यूथ कांग्रेस का जो मेरे जिला अध्यक्ष बनने का जो सपना था मुझे, अब मुझे साकार करने का मौका मिला क्योंकि इसमें डायरेक्ट चुनाव हो गया था। अपने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाओ और वार्ड में उनको जितवा के लाओ, फिर उनको उनसे फिर अपने आप को वोट करवाओ उन वो विधानसभा। तो मैं 2010 में निर्वाचित प्रथम लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना। मतलब कांग्रेस की राजनीति में, युवा कांग्रेस की राजनीति में जो चुनाव की जो प्रक्रिया की जो प्रोसेस हुई है, जिसका शुरुआत हुआ है, उसका मैं प्रथम अध्यक्ष हूँ दुर्ग जिले के लोकसभा के इतिहास में। और मैं जब अध्यक्ष बना तो बेमेतरा के पूरे जिले के 9 विधानसभा आते थे। आज संगठन में आज देखा जाएगा तो यूथ कांग्रेस में भी और सीनियर कांग्रेस में उसमें 4 संगठन जिले हो गए हैं, संगठनात्मक 5 हो गए हैं, लेकिन मैं एक लोकसभा का अध्यक्ष हुआ करता था। मेरा दायरा बहुत बड़ा था, मतलब बोल सकते एक संभाग स्तरीय टाइप का, इतना मैं उसका निर्वहन मैं किया यूथ कांग्रेस का। फिर प्रदेश महासचिव रहा यूथ कांग्रेस में भी निर्वाचित, फिर मैं लायंस क्लब ज्वाइन करा, लायंस क्लब के साथ काम करके सोशल वर्क करता रहा। तो ये सारे मेरे मतलब ये संगठनात्मक मेरी वो है जो शुरुआत हुई है मेरी। जैसे कि आप बता रहे हैं छात्र बतौर छात्र नेता बहुत एक्टिव रहे, छत्तीसगढ़ राज्य 2000 के आसपास जो अस्तित्व में आया, पहली सरकार आप ही की बनी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त आपका रूलिंग पार्टी में किस प्रकार का आपको अनुभव याद रहा कुछ? देखो उस समय तो उम्र कम थी, बस हमारी सरकार है, थोड़ा तामझाम देखना, साएं साएं गाड़ियां आने जाना, जो मुख्यमंत्री का जो लाव लश्कर देखना, और उतनी ज़्यादा और बस नेताओं से मिल लें और अपनी बात रख दें, वही हम लोग के लिए उस समय मुझे बहुत वो लगता था कि किसी की समस्याएँ और छात्र की समस्याएँ, जैसे किसी का फीस माफ़ कराना है या फिर क्या बोलते हैं जो स्कूल कॉलेज की कोई समस्याएँ हो रही, कहीं स्कूल कॉलेज खोलने की मांग हो, तो वो सारी चीज़ हम लोग मंत्री और मुख्यमंत्रियों से मिल के उस समय करते थे और वो चीज़ हमारी सुनी जाती थी, सुनवाई भी होती थी और चलते भी थी। और हम लोग मेरा बेसिक क्या हुआ कि छात्र राजनीति तो मैं करता रहा, उसके बाद छात्र राजनीति के साथ मैं स्कूल कॉलेजों में जो चुनाव हुआ करते थे वो भी मैं अपना पैनल से लड़ाया करता था, जितवाया करता था। अच्छा मैं अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहता था कि जो मैं जिनको लड़ाया करता था स्कूल कॉलेज से वो जीता भी करते थे। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में, महिला कॉलेज है, सुराना कॉलेज है, कल्याण कॉलेज, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर हम लोग मिल के एनएसवाई के थ्रू या अपना सब मिल के हम लोग मिल के चुनाव लड़ाया करते थे। मतलब ये जो डायरेक्ट चुनाव होते थे वो संगठनात्मक चुनाव तो मैं अपना लड़ा था, लेकिन स्कूल कॉलेजों में भी डायरेक्ट चुनाव होते थे तो वहां से भी उन लोगों को प्रमोट करना, उनको लाना, फिर उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ना, ये सब मेरा वो था। और कांग्रेस का अच्छा था, देखो कांग्रेस के जो कांग्रेस की जो आप 2000 से 2003 की जो कांग्रेस की सबसे बड़ी उपलब्धि जो अजीत जोगी सरकार की है, जो धान खरीदी छत्तीसगढ़ में, धान खरीदी छत्तीसगढ़ के पूरे भारत में धान ही खरीदी करते थे, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई। ये तो बात हुई जो 3 साल का कार्यकाल था कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर आई और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी, उस समय का जो काफी लंबा अंतराल था, उस समय का कैसा अनुभव रहा? देखो केंद्र में कांग्रेस की सरकार जो रही वो माइलस्टोन थी, माइलस्टोन सरकार, उनके जो योजना है वो आज भी वो योजना चल रहे। आप महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा योजना नहीं, एक्ट है, कानून है। आप आरटी राइट टू एजुकेशन, आरटीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ, सोचिए कि कानून कांग्रेस पार्टी ने आरटीआई लाया और आरटीआई मतलब उस कानून को लाया और कांग्रेस पार्टी की सरकारों में उस आरटीआई को ज्यादा लगाया गया। मतलब कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में उस आरटीआई का, जिस कानून को कांग्रेस ने बिल्कुल लाया, राहुल जी ने लाया, मनमोहन सिंह जी ने लाया, और उस कानून का इम्प्लीमेंट भी किया और कांग्रेस पार्टी के ही सरकार में बहुत आरटीआई लगे भी। राइट टू एजुकेशन, गरीब बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिले, मनरेगा,
हमको लगता है कि हम आप सोचते हैं कि मनरेगा की क्या जरूरत है, लेकिन आप जब गांव में जाओगे देखोगे रोजगार किसी के पास नहीं है, काम नहीं है, वो बेचारे उनका घर पाना घर का जीवन व्यापन कैसे होगा। तो राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे लोगों के जो समाज के आखिरी तबका जहां लोगों का ध्यान नहीं जाता उनके लिए इन्होंने लाया ताकि ये अपना, और इस योजना के तहत सरकार को इनको कोई काम मिले चाहे ना मिले, इनको काम जनरेट करके इनको काम करना देना है, इनकी तनख्वाह इनको मिलनी चाहिए। मिनिमम वेजेस जो है सरकार का हर हर प्रदेश का अलग है, इस प्रदेश का भी अपना अलग है, और इसने जिन निर्धारित करके इनको काम देना है ताकि ये वो चके। और वही चीज वही योजना अभी दो साल जो लगातार कोरोना वन और कोरोना टू में सबसे ज्यादा लाभदायक हुई है, जो पलायन को रोके, लोगों को भूख मरने से रोके, उसमें क्यों एक वेल अपडेट वो उनका जॉब कार्ड बना रहता था, वेल अपडेट उनका कार वो था, उसमें बकायदा कोरोना काल के समय उनके पास पैसा आते थे, उनके मतलब लोगों को रोजगार दिया उस योजना ने, बहुत अच्छा काम किया मनरेगा, ये माइलस्टोन है। कांग्रेस के काल काल में आप देखो एक समय आर्थिक मंदी आई थी ग्लोबल, पूरे विश्वव्यापी ग्लोबल आर्थिक मंदी में अमेरिका जैसे देश ने अपने सरकारी में 10 लाख नौकरियों से छुट्टी कर दी थी और कई बैंक दिवालिया घोषित हो गई थी वर्ल्ड के, पर मनमोहन सिंह जी गुड इकोनॉमिस्ट थे, बहुत अच्छे अर्थशास्त्री, उन्होंने भारत को उस समय भी हमारे यहाँ एक नौकरी नहीं गई, उल्टा हम लोगों ने डेवलप किया। तो मनमोहन सिंह जी की जो सरकार माइलस्टोन थी, मतलब जो आखिरी तबके से लेके उन्होंने आगे भी बहुत ऐसे जो काम किए, आप देखो देखोगे तो उस सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार में आपको सिर्फ काम दिखेंगे, काम दिखेंगे, योजनाएं दिखेंगे। छत्तीसगढ़ में आते थे इनके मंत्री, केंद्र के मंत्री कांग्रेस के, जब छत्तीसगढ़ में आए योजना आयोग के लोग आए तो छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की सरकार थी पैसा मांगती थी कि 2000 करोड़ 4000 करोड़ फलाना योजना के लिए दे दो, पर मनमोहन सिंह सरकार उसमें पैसे की कटौती नहीं करते, तो 4000 करोड़ मांगते तो 5000 करोड़ देते थे, ये वो सरकार थी। पर आज आज केंद्र में भाजपा की सरकार बैठी है, हमारे जीएसटी जो हमारा जीएसटी का जो आधा सेंट्रल का जीएसटी होता है और आधा स्टेट का जीएसटी होती, उस पैसे को भी वापस नहीं करते हैं, बार बार मांगना पड़ता है। इनकी योजनाएं जो खुद केंद्र जो योजनाएं को भेजती है उस पैसे को नहीं देते हैं, जो केंद्र की जैसे अभी वो आवास योजना है उसका पैसा भी रिलीज नहीं करते हैं, भाजपा उसके लिए निकल जाते हैं आंदोलन करने, पहले जानकारी तो लो, बैठे हुए यहाँ पर कितने सारे लोकसभा में सांसद हैं, 11 है लगातार, 11 में बीजेपी के अपने 11 लोकसभा है, 9 बीजेपी के सांसद है, ये कभी बोलते भी नहीं है जाके अरे कि हमारे जो योजना चल उनके लिए पैसा दो, छत्तीसगढ़ का जो हिस्सा का जो टैक्स का पैसा है वो दो, जो रॉयल्टी कटती है खनिज में वो पैसा दो, ये देते ही नहीं है, देते जरूर है बल पार्ट में तोड़ के तंग करके मतलब लंबा समय खींच करके। तो वो सरकार रवि की समय का ये परिस्थिति है, उस समय की सरकार अलग थी। आप पेपर कटिंग निकालिए, आप देखिए पता करिए कि आपको मनमोहन सिंह की सरकार और बीजेपी बीजेपी में यहाँ की सरकार जो थी उस दौरान केंद्र से कितना पैसा मांगा जाता था राज्य के द्वारा और पैसा कितना मिलता था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप कई बार शामिल हुए, राहुल गांधी के साथ कई सारी फोटोज भी आपकी आई, किस प्रकार का अनुभव रहा, क्या सकारात्मक रिजल्ट निकल के आया इस यात्रा का? देखो तो राहुल जी की यात्रा ने तो मुझे हर परिस्थिति में जीना सिखा दिया, हर परिस्थिति में। आदमी मरे को कोई बोलेगा ना जमीन में सो जाओ तो मैं सो जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ना, कोई गीले गद्दे में सो जाओ बोले तो, क्योंकि हमारी जब यात्रा शुरुआत हुई थी ना तो बारिश बारिश हो रही थी, बारिश में आप सोचो यात्रा चल रही है और उस बारिश के समय उस बारिश में हम चलते थे हमारे बिस्तर भी भीग जाते थे, और मैं कंटेनर में नहीं था, मैं कंटेनर में नहीं था, मैं अपनी व्यवस्था से अपने साथियों के साथ जाता था। तो डेली हमको 25 किलोमीटर चलना रहता था, कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई और हाईवे में चलते थे, तो राहुल जी का सिक्योरिटी रीजन भी है, देश के वो बहुत बड़े और बहुत लीडर हैं तो सिक्योरिटी भी देना और सिक्योरिटी रीजन भी हुआ करते थे। तो
उसके उनके कारण कभी मेरा रास्ता इधर हो जाए, क्योंकि मेरे को मुझे रोज चलना रहता था। मैं कभी वो जो से पद पे निकलते थे मैं गांव में रुकता था, किसी भी परिस्थिति में कभी अपनी गाड़ी में सोता था। और ये भारत जोड़ो यात्रा ने मुझे सिखा दिया कि मैं किसी भी परिस्थिति में रह सकता हूँ। और उस यात्रा का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य मुझे तो बहुत पसंद आया। मैं सिर्फ उसी कारण मैं उस यात्रा से जुड़ा कि आज देश में देखा जाए आपस में कैसा जहर घोला जा रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाया जा रहा है, वायरल हो रहे हैं सारे वीडियोस फोटोज, बेवजह किसी चीज़ की जांच तक नहीं करते सही है कि गलत है, किसी के मोबाइल में आया उसको वायरल कर दो, एक दूसरे के प्रति मतलब आपस में जो हमारी देश की संस्कृति है आपस में भाईचारा उसको भी खंडित किया जा रहा है। उस यात्रा का भी एक उद्देश्य था, वो मुझे बहुत दिल में को छुआ, इस कारण उस यात्रा को मैं स्वयं अपने से ज्वाइन करा और चलता रहा। बेरोजगारी की समस्या है देश में, युवाओं में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सारी जो समस्याएं के कारण उस यात्रा से मेरा लगाव रहा, मैं जुड़ता रहा। और मैं लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं कन्याकुमारी तमिल में होता है तमिलनाडु, फिर मैं केरला चला, फिर उसके बाद फिर हम कर्नाटक आए, मैं कर्नाटक चला, मैं थोड़ा सा तेलंगाना चला, एमपी पूरा चला और कश्मीर पूरा चला। और इसका मुझे अनुभव बहुत अच्छा रहा। और राहुल जी की यात्रा को जो लोगों को जो वो मिलता था, प्यार मिलता था, उमड़ता था, वो देखने लायक था। आपको लगता ही नहीं था कि आप 25 रोज 25 किलोमीटर चल रहे हो तो कुछ फर्क पड़ना है। ऐसे ही देखते देखते इतना स्वागत सत्कार, इतने लोगों का सड़क यात्रा जैसे 20 चले जा रहे हैं, उसके बगल में पूरे जनता आपके लिए खड़ी हुई है, फूल बरसा रही है, अभिवादन कर रही है, वेलकम कर रही है, वार्म वेलकम कर रही है। वो बहुत ऐतिहासिक था और वो यादगार रहा। वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार को किस प्रकार से देखते हैं? वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार तो बोलने के विषय नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आप देखा जाए, देखो, किसान के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, किसानों को बोनस मिल रहा है, धान खरीदी की जा रही है, भूमिहीन किसानों को भी पैसा दिया जा रहा है, और खेल में राजू युवा मितान क्लब है जो खेलों को प्रोत्साहित कर रहा है, युवाओं को सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बढ़ावा दे रही है। अब तो बेरोजगारी भत्ता भी शुरुआत हो गई है, बेरोजगारी भत्ता दी जा रही है। और जो शहर में अब थोड़ा सा हो गया ना, तो शहर में मैं छात्र राजनीति किया हूँ, मुझे अच्छे पता है, सामाजिक लोगों से भी जुड़ता रहता हूँ, समाज में भी कार्य करता रहा हूँ। तो ज़्यादातर मेरे पास जो फ़ोन और लोग मेरे से मिलने आया करते थे ना कि भैया फलाना स्कूल वाला इतना पैसा मांग रहा है, फलाना स्कूल वाला टीसी नहीं दे रहा है, फलाना स्कूल वाला ये नहीं दे रहा है, फलाना स्कूल वाला एजुकेशन में समस्या हो रही है, भैया इतना पैसा लग गया। तो मैं उनको बोलता था कि भाई मैं पैसा की मदद तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद ही बहुत पैसा वाला नहीं हूँ, लेकिन आपके स्कूल वाले जो जो ऐसा कर रहा है, जो पैसा मांग रहा है, जो कम, वहाँ मैं बात करता हूँ आपके एडमिशन कराने की। तो उस चीज़ को भूपेश भैया की सरकार ने ख़त्म की, पूछो कैसे, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल ला के, उसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा है कि जो प्राइवेट स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है उस लेवल का, उससे अब स्टैंडर्ड का उन्होंने स्कूल खुलवा दिया। तो उस स्कूल में खुलने के कारण जो मिडिल क्लास के लोगों की जो प्रमुख समस्या, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादातर शिक्षा में ही ज़्यादातर ध्यान दे रहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लें, वो आगे तरक्की कर दें, क्योंकि उनकी ज़्यादा सोच हो जाए बहुत मिडिल क्लास के लोग हमेशा अपने बहुत ऐसा सोचनी पालक होता है कि अपने बच्चों के लिए कैसे मैं करता हूँ। तो एक तरीके से आज बोल सकते हैं कि स्वामी आत्मानंद जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल है, जो स्कूल का शिक्षण है, कि भूपेश बघेल जी ने इस मध्यम वर्ग के लिए बहुत मदद की है। नरवा गुरुआ बारी है, गौठान है, ये सारे चीज़ें एक सोच है ना, ये चीज़ों को इस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार के बीच में आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बताऊंगा, हालांकि आपका प्रश्न कांग्रेस के सरकार के बारे में था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने मोबाइल बांटा, 3000 का मोबाइल को लेके 5000 में बांटा, 3000 का वो माइक्रोमैक्स, वो भी बम जैसा कान पास फूट रहा था लोगों के, बड़ा बड़ा फूटता था, है टिफिन बांटा मनरेगा के मजदूर को, वो भी फिलफिला टिफिन ना, एकदम जैसे वो टिफिन डब्बा होता है ना, एकदम ऐसा कर दो तो फट से हो जाता, स्टील का टिफिन मत। फिर उन्होंने लैपटॉप बांटा, 6000 का लैपटॉप लेके 10000 में बांटा, मतलब ये कमीशनखोरों की सरकार थी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार डायरेक्ट उनके खाते में पैसा दे रहे हैं, बिना वो आपको 2000 रुपए आपको बोनस मिलेगा, डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। नहीं, ये क्या कर रहे,
मोबाइल को खरीद लिया किसी कंपनी से, 3000 की मोबाइल को 5000 में खरीद लिया, उसका बिल को पेट करके राज्य के हम लोगों को पैसों को ले जाके दे के और बांट दिए, चुनाव फायदा नहीं लगे, टैबलेट को भी ऐसी खरीद लिए, टिफिन को भी ऐसी खरीद लिए। वो कमीशन खोरों की सरकार थी, डायरेक्ट कमीशन जाता था, मतलब बोलने से मतलब सरकार से पैसा नहीं निकालते थे, लेकिन जिस कंपनी से खरीद रहे हैं उनका डीलिंग हो गया कि भाई हम 3000 का मोबाइल है, हम 5000 में खरीद रहे हैं, तो बीच का जो 2000 रुपये हमको दे देना, वो ऐसे ऐसे करके लेते थे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं, यहाँ पे करप्शन का बात ही नहीं है। चुनाव के एंड टाइम में प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया है, हाँ, क्या इफेक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का निर्णय सोच समझ के होता है, पार्टी ने निर्णय लिया कि प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया जाए, असल बदला नहीं गया है, मोहन मरकाम जी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। एक संगठन में एक कार्यकाल होता है 4 साल 3 साल का, मोहन मरकाम जी ने बहुत अच्छा अपना कार्यकाल चलाया, तो स्वाभाविक है या कंटिन्यू करना था या फिर किसी और को बनाना था, तो यहाँ के लीडरों ने सब सोच समझ के, मोहन मरकाम जी भी उसमें शामिल है, वो सब सोच समझ के अपना उन्होंने लिया और दीपक भाई को अध्यक्ष बनाया है और वो भी अनुभवी हैं, तो वो उनका अनुभव आप सोचेंगे कि वो भी जमीन से आए विप में, वो NSUI के अध्यक्ष रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, चित्रकूट जो है ना अपना जो विश्वविख्यात जो अपना वो है झरना है, उससे पहले गांव पड़ता है लोहड़ीगुड़ा, आप जाओगे कभी जगदलपुर से तो वो उनका ब्लॉक आता है, लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक चित्रकूट विधानसभा से वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। मैं उपचुनाव हुआ था बलिराम कश्यप, स्वर्गीय बलिराम कश्यप जी के देहांत होने के बाद वहाँ पे चुनाव हुआ था, तो कवासी लखमत जो अभी वर्तमान में आबकारी मंत्री हैं वो उपचुनाव लड़े थे सांसद का, तो स्वर्गीय शहीद नंद कुमार पटेल जी और स्वर्गीय अजीत जोगी साहब ने, उस समय कवासी लखमत जी सब वो सब एक थे, तो मुझे प्रभारी बना के भेजा था 60 बूथ का चित्रकूट विधानसभा का लोहड़ीगुड़ा ब्लॉक का, तो मैं दीपक बैज भाई से मिला और अप्रैल मई का समय था इलेक्शन का, और अप्रैल मई में हम लोगों ने घूम घूम के काम किया। आप बस्तर का बोलते हैं ना, क्या है अंदर घुसिए आपको बस्तर का समझ आएगा, एक बूथ में जैसे यहाँ बोला जाता ना एक बूथ में पूरा बस्तियां 100-200 मकान, बस्तर में ऐसा नहीं है, एक जगह 50 घर, एक जगह 20 घर, मतलब 3 किलोमीटर दूर 20 घर, एक जगह 50 घर, ऐसे मिला के 1000 मतदाता तैयार होते हैं। उसमें मैं दीपक भाई मिलके हम लोग वहाँ पर मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, बूथ कमेटी हम बनाते थे, तभी से दीपक भाई जी का मुझे और समझ आया कि कार्य की निष्ठा, बड़े अच्छे से कार्य करते थे, तब से मैं उनसे भी प्रभावित हुआ वो, और मेरा उनसे मित्रता हो गई और बातचीत होती रही। फिर वो दीपक बैज भाई फिर उसके बाद 2013 में विधायक बन गए, पार्टी ने उन्हें विधायक का टिकट दिया, फिर 2018 में फिर उनको टिकट दिया विधायक का, अभी मोदी लहर में वो सांसद बन गए। भाई मोदी लहर में जो व्यक्ति जीत रहे हैं मतलब योद्धा तो है, मोदी लहर बोलते हैं पब्लिक बोल रही है मोदी लहर, 2014 में आई थी, 2019 में आई, अब तो आनी नहीं है मोदी लहर, उसमें वो जीते हुए हैं, तो जरूर उससे पार्टी को फायदा होगा क्योंकि उनको संगठनात्मक राजनीति का भी अनुभव है और चुनावी राजनीति का भी अनुभव है, चुनाव कैसा जीता जाता है, तो अच्छे प्लेयर है, अच्छा खेलेंगे। बीजेपी हमेशा एक वादा खिलाफी का आरोप कांग्रेस पे लगाती आई है, वो है शराबबंदी, हाँ, से बीजेपी इसको बनाने की कोशिश में रही है, इसके बारे में क्या देखते हैं, क्या बोलते? देखिए शराबबंदी जो है ठीक है, पार्टी ने बोला था, लेकिन शराबबंदी पे आपको सोचना पड़ेगा, शराब जो है ना बंदी एक सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई किसी चीज को बंद करने से बंद नहीं हो जाती। हमारा राज्य 5 राज्यों से घिरा हुआ है, 5-6 राज्यों से, हम जो अपने प्रदेश में शराब को बंद कर देते हैं तो बगल में वो महाराष्ट्र से ले आएगा जाके शराब खरीद के, MP से ले आएगा और झारखंड से ले आएगा, तेलंगाना से ले आएगा, उड़ीसा से ले आएगा, तो शराब तो बंद हो पाएगा नहीं पूर्ण रूप से। अगर हम बंद करते हैं तो आप देखे होंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, कोरोना काल में 2 बार कोरोना काल आया, शराब की दुकानें बंद थी, लोग सैनिटाइजर को पी गए, उसमें अल्कोहल की मात्रा है करके, उसको पी के लोग मर गए, अल्कोहल मिलेगा करके बीमार पड़ गए कि शराब की ये तलब है। तो आप यकाएक ऐसी चीज को कैसे बंद कर दो, हाँ अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि ये सामाजिक बुराई है, इसको छोड़ा जाए,
इस रूप में इस चीज में सरकार काम कर रही है कि इसको स्वयंता लोग बंद करें। जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुहिम चलाई जाए कि शराब लोग खुद ही छोड़ दें। हाँ, एक साथ बंद कर पाना मुश्किल है क्योंकि किसी की जान चले जाना, आप अभी देख रहे हो गुजरात में नकली शराब पीने से 250 लोग मर गए, बिहार में नकली शराब पीने से 300 लोग मर गए। आप देख रहे हो बोलने का है और गुजरात चले जाओ, आप गुजरात चलाओ शराबबंदी, मतलब शराब नहीं मिलना चाहिए वहाँ के लोगों को, बिहार चले मतलब तो वहाँ पांठेले में आपको शराब मिलता है। होटल में रुको ना, आप वहाँ के वेटर को बोलो 200 रुपए 300 रुपए का क्या पता नहीं कितने की शराब आती है, उसमें 100-200 रुपए दो उनको, बोलो ज्यादा दे लो ला के दे देंगे आपको, तो कहां से शराब बंदी हुई। तो शराब को स्वेता आदमी बंद करे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा बंद करके लोग नकली शराब पिए या अल्कोहल क्या बोलते हैं सैनिटाइजर जैसी चीज को पी के बीमार हो जाए, तो एक अच्छा नहीं लगता ना, एक मुखिया को अच्छा नहीं लगेगा और कांग्रेसी नाते हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमारे प्रदेश में सरकार है जिसका ऐसे लोग खत्म हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस सरकार अस्तित्व माई, तो उनका एक नारा था नरवा गरवा बुरवा बाड़ी, उसमें से गौठान आता है जिसमें कि हमेशा भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए, उसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखो गौठान के विषय में तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कुछ समझ ही नहीं पाई क्या है गौठान करके। गाय जितने हैं गौवंश है, गाय के हमारे देश में अलग दर्जा है, मतलब पूजनीय है गौ माता है। अगर गौ माता अगर सड़क में है बैठी हुई है तो उनको ले जाके गौठान में ले जाए क्या दिक्कत है, उनके लिए गौठान बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम है। अगर आप गाय की भारतीय जनता पार्टी अगर आप गाय की इतनी सही में आप मानते हो, माता मानते हो, पूज्य करते हो, तो आपको जो गाय मिलती जो सड़कों में दिखती है आप उनको ले जाइए गौठान में और ले जाके उनके लिए चारा की व्यवस्था करिए, पर कुछ नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों ने सोच के बनाया कि गौठान एक भावनात्मक इशू है ना, भावनात्मक मतलब एक वो है समाज में भी एक तरीके से सामाजिक बोले कि अब गौठान एक हम लोगों ने बना दिया, जिस तरीके से देखा जाता है ना मंदिर बन गया, मंदिर अगर बन गया तो मंदिर को जब रेख रेख मस्जिद बन जाए मंदिर बन जाए गिरजा घर बन जाए, पर देख रेख कैसे सब उस समाज के लोग मिलके करते हैं, तो ऐसे गौठान भी एक तरीके से एक वो है कि वहां पर गायों के लिए बनाया गया था। अब काम सब लोगों का बनता है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जिस गांव में बना उस गांव के सारे नागरिकों का काम बनता है कि चारा दान करें। किसके लिए चारा दान करें? गौ माता के लिए, गौ वंश के लिए चारा दान करें। इसलिए सोच के बनाया गया ये है ताकि हमारी जो गाय है, जो गरुआ है, जो जो गौवंश है, जो जो सड़कों में घूमते रहते हैं इधर उधर बैठे रहते हैं वो खत्म हो, फिर उनके अगर वो गौठान में रहेंगे वहां उनको चारा मिलेगा तो फिर वो गोबर करेंगे, जिसको घुरवा गोबर करेंगे, गोबर को ले जाके वर्मी कंपोस्ट में रख दिया जाएगा। गौठान में कई ठोक वर्मी कंपोस्ट बने हैं लाइन से, वहां पर ऊपर शेड भी लगे हैं, उसमें जब गोबर को रखा जाता है तो गोबर को सड़ाया जाता है, उसके बाद वो उर्वरक खाद बनता है। आज क्या हो रहा है सब चीज केमिकल यूज हो रहा है, जहां देखो सब हाइब्रिड। इतना बड़ा जाम आता था नेचुरल, आज इतना बड़े बड़े जाम रास्ते में मिलते हैं वो हाइब्रिड है, केमिकल किसी न किसी माध्यम से जब खा रहे हो तो आपके पेट में तो जा रहा है। अब नेचुरल उर्वरक हम वहां पर गोबर खरीद रहे हैं, उसको वर्मी में डाल रहे हैं, उसको खाद बना रहे हैं, गौठान से जो गोबर मिल रहा है हम उसको वहां पर डाल रहे हैं, तो उसको हम उस ले जा रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं, मतलब वो कर रहे हैं कि जो पहले जैसा पहले जमाने में लोग जो नेचुरल जो प्रोडक्ट खाया करते हैं, जो एकदम जिसमें हाइब्रिड नहीं होती थी वो चीज़। इसलिए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का अमेरिका में सम्मान हुआ है, ये एक सोच बहुत बड़ी सोच है कि आप गोबर को खरीद के और गौठान से जो गोबर एकत्र हो उसको सड़ा के आप उर्वरक खाद बना रहे हैं। इसको तो हर किसी को उपयोग करना चाहिए, उर्वरक खाद अपने घर में आज भी देखोगे, गाँव में जाओगे ना तो जो पुराने जो बड़े अच्छे खेती करने किसान लोग हैं उनके घरों में घर के बगल में गोबर को रखा जाता है उनके घर के, और उसके बाद को उर्वरक खाद बना के वो यूज करते हैं अपने अपने खाने के लिए और अपनी मतलब वो खेती किसानी में। ये कितनी अच्छी बात है इसको, और क्या होता है मनरेगा के तहत काम देना रहता है, मनरेगा के तहत आपको योजना में पैसा आता है, तो गौठान की जो में जो राशि है, देखो मनरेगा तो काम है, मनरेगा में योजना है, उस योजना के तहत आपको उसमें गौठान को भी माननीय भूपेश बघेल जी ने केंद्र के जो मनरेगा के विभाग है उनसे चर्चा करके मनरेगा से भी उस राशि को उन्होंने
वो कराया, तो उसमें भ्रष्टाचार जैसा चीज कहाँ है? किस बात का भ्रष्टाचार? 10-12 लाख की 15 लाख की लागत से एक ठो को गौठान बनता है और गांव से प्रस्ताव बनाते हैं 10-10 जो खाली पड़ी हुई जो जमीन है, जो खाली पड़ी जो जमीन है गांव की बड़ी बड़ी 10-15 एकड़ उसको गौठान के लिए लिया जाता है, फिर उसमें घेरा लगाया जाता है, गेट लगाया जाता है, फिर वर्मी कंपोस्ट के लिए टैंक बनाया जाता है। तो किस बात का लोग विरोध करते हैं और किस चीज का भ्रष्टाचार बताते हैं? मनरेगा का पैसा डायरेक्ट खाते में जा रहा है, मनरेगा के मजदूरों को जो वहां पे काम करते हैं गौठान में, मनरेगा में जो उसमें जो उप जो लगते हैं सामान वो डायरेक्ट उसमें जा रहे हैं, और कुछ पैसा राज्य सरकार का होता है जो उसमें डाल के डायरेक्ट करते हैं क्योंकि इसका क्रिमिनल जनपद करता है। तो भ्रष्टाचार जैसे कौन सा जमीन खरीदी गई है, चलो जमीन खरीदते, उनको बेवजह की बातें करते हैं भ्रष्टाचार जैसे, उसमें भ्रष्टाचार जैसे कोई चीज ही नहीं, बोला ना समझ ही नहीं पाए गौठान का योजना क्या है। एक तो वो है सेवा भाव है, एक तरीके से गौठान एक सेवा भाव के रूप में है, सेवा करना चाहिए सारे लोगों को, वहां पर अपने गौवंश को लाना चाहिए, भेजना चाहिए और चारा दान करना चाहिए जो सड़क में है, तो उनको खुद को आदमी को करना चाहिए। हमारे कार्यक्रम में इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अयूब खान जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है दुर्ग भिलाई से। आगे आने वाले समय में खास हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आपको हमेशा और भी शख्सियतों से मिलाएंगे, बने रहेंगे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।